everyone. Hi my YouTube family. Welcome back to my channel. आप सब कैसे हैं friend? I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे. काफ़ी टाइम से मेरा लॉन्ग वीडियो नहीं आया, तो आज मैं सोच रही हूँ कि आज लॉन्ग वीडियो बनाया जाए. तो लॉन्ग वीडियो ना आने का कारण था कि पार्लर में बहुत ज़्यादा रश था, तो मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी. आज फ्री हूँ तो अभी लगातार मेकअप हुआ, पर अकेले होने के कारण मैं शूट नहीं कर पाई. तो सोचे कि आज ये मेकअप पे ही एक वीडियो बना के अपडेट करती हूँ. जो फ्रेंड जो विनर हैं या फिर जो हमारे जैसे छोटे मोटे पार्लर रन करते हैं, वो बहुत जल्दी अपने फेस का वेज तैयार करके एकदम इमिजिएटली कैसे किसी ब्राइड को हो या उनके फैमिली मेम्बर को हो या किसी को हो, वो उनका मेकअप कर सकती है. बस इसी पे एक छोटी सी वीडियो मैं बना रही हूँ. आई होप फ्रेंड जिस किसी को मेरी वीडियो पसंद आता है वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं बहुत छोटी क्रिएटिवेटर हूँ. और बस आप लोग के सपोर्ट की वजह से मतलब मेरे 9000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं. लिटरली आई एम शॉक्ड कि मेरे 9000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं. और बस इसी उत्साह के कारण आप जो मुझे इतना प्यार देते हो ना, जो 9000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में जिन्होंने मेरी मदद की है, हेल्प कीजिए, मैं मुझे प्यार दिया बस उन्हीं के लिए. चलिए तो बस वीडियो में आगे बनते हैं और बस मेकअप की ओर रुक करते हैं. तो पहले तो मैंने सिंदूर लगाया हुआ था, तो अच्छे से अपने फेस को अच्छे से नीट एंड क्लीन क्लिंजर से, अब वाइप से भी, जो बेबी वाइप आता है या फिर और भी बहुत तरह का आता है, आप यूज़ कर सकते हो. मैंने क्लिंजर ले लिया है कॉटन, तो उसे मैं अच्छी तरह से अपने स्किन पर अप्लाई कर लेती हूँ. देखिए फ्रेंड मैंने लेंस लगाया है, कैसा लग रहा है मेरा लेंस? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं लगा ली हूँ. और अभी जितना भी मेकअप हो रहा है फ्रेंड, लगभग लेंस लगा के ही हो रहा है, क्योंकि उससे आई की खूबसूरती और डबल हो जाती है. उस कारण लेंस लगा के मेकअप करना मुझे पसंद है. जिन फ्रेंडों को लेंस लगाना पसंद है, मेकअप करना पसंद है, वो मुझे टैग कर सकते हैं. चलिए पहले मैंने अपने फेस को क्लीन किया, उसको 2 सेकेंड के लिए छोड़ दिया है. अब उसमें मैं स्विच ब्यूटी का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, जो जिसमें प्राइमर भी इंक्लूड है. ये सभी स्किन पे चल सकता है, ड्राई ओली, क्योंकि ये हल्का जेल बेस में है, हल्का क्रीम बेस में है. तो इसे लेकर मैं अपने फेस पे, आई पे, सारे एरिया में अच्छी तरह से अप्लाई कर रही हूँ. बहुत लाइट हाथों से. मैं इसे अपने स्किन पे अप्लाई कर ले रही हूँ. मुझे लगा कि थोड़ी सी और ज़रूरत है मेरी स्किन को, तो मैं थोड़ा सा और लेके अच्छे से अप्लाई कर दूँ. अब इसे 2 से 3 सेकेंड के लिए हाँ छोड़ देंगे. इसे नेक पे भी पीछे भी अच्छे से अप्लाई कर लेंगे. फ्रेंड आप बताना, जो मेरे जैसे छोटे छोटे यूट्यूबर हैं या स्टार्टअप जो करते हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम आती है वीडियो बनाने में, ब्लॉग करने में? क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि स्टार्टअप में तो वीडियो सिर्फ बना लेती थी, एडिट करना नहीं आता था. तो धीरे धीरे सीखा. और कुछ मेरे बेटा है, वो 13 ईयर्स का है, जो मेरा हेल्प करता है, तो बस उसकी सहायता से मैं इतना लंबा सफ़र तय कर चुकी हूँ और आगे करूँगी. तो देखिए मेरा मॉइस्चराइज़र लगाया 2 से 3 मिनट
हो चुका है। अब ये मतलब ये मॉइस्चराइज़र विथ प्राइमर है, लेकिन आप इसमें अलग से भी प्राइमर के यूज कर सकते हैं। तो मैंने हुडा ब्यूटी का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा सा और प्राइमर रहेगा तो स्किन और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी और मेकअप चढ़ने में बहुत ही आसान रहेगा। तो आप इस तरीके से अपने क्लाइंट को या आप अपने घर पे भी बहुत आसान तरीके से आप मेकअप कर सकते हो। आप देखना कि ये मेकअप कितना ग्लोजी, कितना फेवर, मतलब यम्मी लगेगा। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है अपने स्किन का प्रिपरेशन करना, जो मैंने आपको बताया, पहले क्लींजर से क्लींज कर लो, फिर मॉइस्चराइजर लगा लो, फिर प्राइमर लगा लो, और से कम 2 से 3 मिनट का ब्रेक दो, इसे हल्का ड्राई होने दो, ठीक है। तो जब तक मेरा हल्का ड्राई हो रहा है तब मैं कंसीलर पैलेट निकाल लेती हूँ और ब्रश निकाल लेती हूँ। देखिए मैंने अभी कोई मेकअप नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है, बट मेरा स्किन काफ़ी 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 बेटर लग रहा है। एसी ऑफ है फ्रेंड, तो एसी चला लेते हैं, और थोड़ी सी लाइट की कमी लग रही है तो सामने वाला भी लाइट जला लेते हैं। तो जला लिए, अब 2 से 3 मिनट का ब्रेक हो चुका है। प्राइमर और मॉइस्चराइज़र हमारे स्किन में ऑब्जॉर्ब हो चुका है। अब मैं ऑरेंज कलर का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, जो मेरे फेस को बहुत ही ग्लो करता है, पिगमेंटेशन को छुपाता है, दाग धब्बे को छुपाता है, आँख के सामने जो डार्क सर्कल्स है उसे भी वो पूरी तरह से छुपा देता है। तो देखिए ये मैं किस कंपनी का मैबलिन का था, या इसका मैं आपको बाद में बताती हूँ, इसका तो नहीं मिल रहा, तो अभी मैं अप्लाई कर लेती हूँ कंसीलर। बहुत लाइट हाथों से इसको रगड़ना नहीं है। आगे हम आई का मेकअप करेंगे, उसके बाद पूरे फेस का मेकअप करके आपको दिखाएंगे। आप ऊपर नीचे दोनों साइड दे दीजिए। ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से इस तरह से हल्के हाथों से मिक्स कर लीजिए। बहुत दबा के नहीं करना, बहुत लाइट हाथों से इसे ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से इस तरह रोल रोल घुमा के आप इसे सेट कर लीजिए। तो देखिए वो इसमें कैमरा में नहीं दिख रहा था, तो आईना में देख के मैंने इसे
सेट कर लिया। अब इसका 2 से 3 मिनट हो चुका है। किसी भी मेकअप को कम से कम 2 से 3 मिनट का अब ब्रेक दीजिए कि वो आपकी स्किन में ऑब्जॉर्ब हो जाए और फिर आपका मेकअप बहुत अच्छा हो। आप एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर चढ़ाते रहोगे तो आपका मेकअप ग्रे होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सारे जो कलर है, या फाउंडेशन के हो या कंसीलर के हो या और भी कुछ हो, वो आपस में मिक्स हो जाते हैं तो वो कलर ग्रे करना शुरू कर देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि किसी भी मेकअप से पहले अपने फेस को मतलब नीट एंड क्लीन कीजिए। मॉइस्चराइजर लगाना तो वेरी इंपॉर्टेंट, उसे तो किसी या वैसलिन से या किसी और चीज़ से कवर करने की कोशिश ना करें, आपका मेकअप ग्रे पड़ने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हम इसे फिटमी का पाउडर है मेरे पास तो इसे मैं सेट कर लेती हूँ। इससे आपके पास अगर किस ब्रांड का पाउडर है आप उससे उसे अच्छे से सेट कर लीजिए। इस तरह से आप देख सकते हैं मेरे आंखों के ऊपर जो थोड़े थोड़े काले से दिख रहे थे, पिगमेंटेशन दिख रहे थे, दाग धब्बे दिख रहे थे, वो अब नहीं दिख रहे। तो चलिए हम फिर इसके ऊपर कलर चढ़ाना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा स्किन हम लोग आई की स्किन का कलर और हमारे फेस का स्किन का कलर इक्वल हो चुका है। तो मैंने येलो कलर का ड्रेस पहना हुआ है, तो बस इसी से रिलेटिव मैं आपको करके कुछ दिखाती हूँ, बहुत लाइट एंड बहुत फैबुलस। तो पहले तो मैं हल्का मैरून लूँगी, ठीक है, ये देखिए मैं हल्का मैरून ले रही हूँ। और अगर आपको नहीं आता है तो आप इस कॉर्नर से स्टार्ट कीजिए, टैप 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 करके फिर इस तरह से एक फ्लफी ब्रश लेकर इस तरह से अपने हाथ को हाफ क्रीज तक ले जाके अच्छे से ब्लेंड कीजिए। फिर सेम टैप 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 फिर ब्लेंड। एक फ्लफी ब्रश लीजिए और बहुत लाइट हाथों से, जिस तरह मैंने पकड़ा हुआ है उसी वे में पकड़ के बहुत लाइट हाथों से हल्के हल्के इस तरह से। देखिए उसके बाद मैं इस पे हल्का येलो येलो कलर मैं इसमें ऊपर से मिक्स करूंगी, जिससे कि इसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी। हल्का सा झाड़ के और फिर इस तरह से दोनों तरफ के एरिया को हम लोग येलो से हल्का मिक्स कर देंगे, जिससे कि हम लोग ब्राउन लिए थे उसमें हल्का येलो
मिक्स हो जाएगा और आपके आई बहुत खूबसूरत लगने लगेंगे। तो आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, कट क्रीज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस एरिया को हल्का सा और इसकी ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से हल्का 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 इसे हम देखिए हम लोग का रेड क्रीज एरिया हम लोग का बन गया है। अब इसमें हम अपनी फिंगर की सहायता से येलो कलर फिल करेंगे, क्योंकि मेरा येलो है तो हम येलो का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आपका अलग से भी डस्ट फॉर्म में भी मिलता है, जहाँ आपने कट क्रीज दिया है अब उसको लगाइए। उसके बाद हल्का सा मैरून लेके टैग कर लेंगे और हल्का सा यहाँ पे ठीक यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। अब देखोगे कि मेकअप का पूरा लुक चेंज हो गया है। फिर हम काजल अप्लाई करेंगे। देखिए अगर देख के कुछ सीख सकते हैं तो आप फिर इसे हम लोग एक ब्रश की सहायता से मर्ज कर देंगे। ब
बहुत ही सिंपल तरीका से मैं बता रही हूँ, किसी लेंदी प्रोसेस से नहीं बता रही हूँ, मेरे खुद का एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसे काजल को सेट करने के लिए डस्ट पाउडर आता है काजल का ही, तो इससे हम लोग उसे सेट कर लेंगे ताकि ये फैले नहीं। ठीक, उसके बाद हम लोग आईलैशेस चिपकाएंगे। अब हम आईलैशेस यूज करेंगे। आईलैशेस के लिए मैंने स्विच ब्यूटी का ग्लू यूज किया है ब्लैक, उसे तो सबसे पहले हम इसमें लगा लेंगे। या आप अपने डायरेक्ट आई में भी आईलाइनर की तरह आप यूज कर सकते हो, पर खुद लगा रहे हो तो थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसीलिए। तो देखिए मैंने आईलैशेस लगा लिया है और आई मेकअप अब देखिए, और हम अपने आईलैशेस को कर्ल कर लेंगे। आप चाहे तो छोटे आईलैशेस लगा सकते हैं, मुझे बड़े पसंद है तो मैंने बड़े लगाए, और ब्राइडल को बड़ा ही चलता है। सामने से देखिए हम लोग का आई का कंप्लीट हो चुका है, और अब हम देखिए मैंने आईब्रो सेट कर लिया है, और फेस का मेकअप शुरू किया जाए। तो फेस के मेकअप के लिए फिर हम पूरे फेस में हल्के हल्के जहाँ आपको पिगमेंटेशन लगते हैं वहाँ पे आप कंसीलर दो, जहाँ जहाँ मेरे लग रहे मैं वहाँ वहाँ दे रही हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से मैं इसे मिलाती जाऊंगी बहुत लाइट हाथों से। इसे 2 से 3 मिनट के लिए सेट करने के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। ये 2 से 3 सेकंड हो चुका है कंसीलर का, अब हम प्राइमर यूज करेंगे जो 06 है, मेरे स्किन से मैच करता है, तो उसे अब हम टैप 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 करके अच्छे से पूरे स्किन में हम अप्लाई कर लेंगे। अगर लाइट मेकअप कर रहे हैं तो एक बार काफ़ी है, अगर है ब्राइडल को दे रहे हैं तो हैवी हो सकता है, तो थोड़ा और आप दे सकते हैं। इस तरह करके आप अपने पूरे फेस में
सेट कर लेंगे। और मैंने इसके फिटमिक्स से सेट किया है, आप चाहो तो बनाना पाउडर या वाइट पाउडर से आप सेट कर सकते हो, मैं करके आपको दिखाती हूँ। तो मैंने मैक का वाइट पाउडर लिया है, आप इस तरह से इस एरिया को इस एरिया को सेट कर सकते हो। और इसे ब्रश की सहायता से 2 सेकंड बाद अच्छे से हम लोग पूरे में सेट कर लेंगे। और मैंने इसके फिटमिक्स से सेट किया है, आप चाहो तो बनाना पाउडर या वाइट पाउडर से आप सेट कर सकते हो, मैं करके आपको दिखाती हूँ। तो मैंने मैक का वाइट पाउडर लिया है, आप इस तरह से इस एरिया को इस एरिया को सेट कर सकते हो। और इसे ब्रश की सहायता से 2 सेकंड बाद अच्छे से पाउडर सेट होने के बाद फिर ब्लशर मैं यूज़ कर रही हूँ, जो आपका यहाँ से टी जोन से इस तरह से यहाँ से जाएगा, फिर हल्का नोज, लिप्स, चिन, फोरहेड। आप देख सकते हो मेरा लुक विदाउट हाइलाइटर कितना अमेजिंग आ रहा। और मैंने कंट्रोलिंग नहीं की है क्योंकि अभी मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है, किसी और वीडियो में कंट्रोलिंग कैसे होती है वो मैं करके दिखाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा था, इसीलिए मैं आपको कंट्रोलिंग करना किसी और दिन सिखाऊंगी या बताऊंगी। आप बस हम इसमें हाइलाइटर यूज़ करते हैं, तो देखिए फ्रेंड मैंने डार्क मैरून से अपना लिपस्टिक कंप्लीट किया। और जो मैंने ऊपर में डार्क ब्राउन दिया था उसे मैंने अपने आई के नीचे कॉर्नर पे भी थोड़ा सा मैस्क किया। और एक सेटिंग स्प्रे की सहायता से हमने अपने स्किन को फाइनल टच दिया। और आप देख सकते हो मेरा लुक
is my final look. कमेंट करके बताना फ्रेंड कि कितना इजी पड़ा आपको ये लुक, और मेरा पहले का लुक और आप अभी का लुक में क्या डिफरेंसेस है। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हैवी नहीं, बस स्टेप बाय स्टेप मैंने बहुत सुंदर और सिंपल वे में आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको मेरा थोड़ा सा भी लुक पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत सारा प्रेम दीजिए। फिर मिलते हैं फ्रेंड एक नए ब्लॉग में। आपके फ्रेंड रूमा। बाय बाय।